विक्टोरिया मेमोरियल बिरला प्लानिटोरियम, ये वाला मेट्रो स्टेशन जो है ना हमारा ग्रीन लाइन दिल्ली के रेड लाइन जैसा लग रहा है, कश्मीरी गेट जैसा लग रहा है। हमारा हावड़ा स्टेशन कैसा लगता है रात को? आ गया है, देखिए हमने मंगाया कबाब, कढ़ाई चिकन एंड बटर नान। रात को पता है अगर रात को आ गई 10:30 में बंद हो जाता है, उसके बाद आई थी मैं तो डर जाऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बुद्धा कॉलिंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैंने May 4 से शुरू किया था लास्ट ईयर अपना व्लॉगिंग, और तब जब मैं समर्स में व्लॉग बनाया करती थी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट किया करती थी कि प्लीज आप लोग सुबह उठ करके अगर मतलब थोड़ा सा पॉट में पानी अगर बर्ड्स के लिए रख सकेंगे तो अच्छा होगा। और आपको पता ही है जो चीज मैं नहीं करती मैं दूसरों को भी नहीं बोलती वो करने के लिए, बिकॉज चेंज खुद से शुरू होना पड़ता है। तो आई डू इट डेली, मैं बर्ड्स के लिए डेली पानी रखती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी थोड़ा रोड साइड एनिमल्स के लिए अगर घर के बाहर कोई भी बर्तन हो, और अगर नहीं हो तो कुछ मिट्टी का बर्तन लेकर के जरूर पानी रखिएगा। सो मेन क्रक्स पे आते हैं। कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो शुरू हो चुका है, ये हमारा पूरा देश जानता है, लेकिन मैं अभी तक उसका व्लॉग नहीं बना पाई थी। आई नो बहुत सारे व्लॉग्स हैं ऑलरेडी, लेकिन मेरे व्यूअर्स के लिए मैं व्लॉग बनाऊंगी। सो मैं जा रही हूँ आज आप सबको अंडर वाटर मेट्रो दिखाने के लिए, जो मेरे लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं अपने व्यूअर्स को मेरे थ्रू ये एक्सपीरियंस करवाना चाहती हूँ। हावड़ा में उतर करके कोई रेलवे रेस्टोरेंट है वहाँ पे मैं जाऊंगी। सो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। OOTD आउटफिट ऑफ द डे, और मेरे फोन के पीछे हेजल का फोटो वो लेके आई थी, पुप्पू ऐसे करके उसने मुझे ये फोटो दिया था, तो मैं के कैमरा के कवर के अंदर में उसको रख रखा है मैंने। मेरी नीस की बहुत याद आती है मुझे, दोनों ही नीस की, रिदम और हेजल की। मेरे साथ है दीपू। हम दोनों का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है अंडर वाटर मेट्रो, जो कि इतने साल से नाम सुन सुन के बैठी हूँ, फाइनली अब आज एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। बहुत गर्मी है, जल्दी गर्मी का मौसम आया, मौसम ठंडे गर्मी कूल का। से हेवन की यात्रा कर रहे हैं हम लोग, मेट्रो में घुसते ही ऐसा एसी चला, अभी आराम लग रहा है। एस्प्लेनेड आ गए हैं, 3 नंबर गेट के तरफ जाना है। टुवर्ड्स हावड़ा मैदान लिखा हुआ है ना, इसीलिए सी यहाँ से बना है ग्रीन लाइन। प्रिंसेप घाट, विक्टोरिया मेमोरियल, बिरला प्लानिटोरियम, और वो मैदान बना है हमारा वर्ल्ड फेमस येलो टैक्सी, विद्यासागर सेतु। जावा फूल ऑब्वियसली। वहां से फिर से उतरना है, ये वाला मेट्रो स्टेशन जो है ना हमारा ग्रीन लाइन दिल्ली के रेड लाइन जैसा लग रहा है, कश्मीरी गेट जैसा लग रहा है, डबल उतरना पड़ रहा है ना इसीलिए। टूवर्ड्स हावड़ा मैदान, टूवर्ड्स
doors will open on the left. Please mind the gap between the train and the platform. मैं जब भी खड़गपुर से आती हूँ तो 15, 14, 13 इन सभी में मेरा मतलब वो लगता है ट्रेन, और मैं हमेशा मनाती थी कि 15 नंबर में तो ना लगे क्योंकि बहुत दूर है, लेकिन ना अभी मेट्रो का एग्जिट गेट वहीं पे है 14-15 में ही। अच्छा हो गया। ब्रिज दिखाई दे रहा है, देखिए। दीपू बोलेगी कि दीपू को कैसा लगा। मुझे तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, एकदम नया एक्सपीरियंस था। वैसे मुझे लगा था एकदम मछलियाँ दिखाए थे, बट वो लोग पेंट किए थे, है ना, तो वही है। ठीक है, पानी दीपू को लग रहा था कि एक्वेरियम टाइप का होगा, लेकिन वो पेंटेड मछलियाँ थी। अच्छा, एंड बहुत अच्छा बनाया है ना। मतलब हावड़ा में जो ये मेट्रो खुल गया ना, बहुत कन्वीनियंट हो गया मेरे लिए तो, जो हमेशा ट्रैवल करते मुझे हमेशा ट्रैवल करते रहना पड़ता है, मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट हो गया भाई साहब। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जय हिंद। देखिए दोस्तों, हमारा हावड़ा स्टेशन कैसा लगता है रात को, और वो देखिए हमारा लहराता हुआ तिरंगा कितना सुंदर लग रहा है। और हम उस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, रेलवे रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए, बहुत भूख लगी बहुत है, भूख लग रही बहुत है। वंदे भारत एक्सप्रेस में बिठा करके आज मैं दीपू को खिलाने वाली हूँ। आइए मैडम दीपू, आज आपको वंदे भारत एक्सप्रेस में आपको मैं एक मस्त खाना खिलाती हूँ। चलो मैं भी देखती हूँ, चलो। यहाँ मेरी मम्मी को लेके आऊंगी मैं, उनको बड़ा अच्छा लगेगा, भाभी भैया सबको ना। कैसा लग रहा है? थोड़ा एसी हवा मिला ना, जान लगा। कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रही हूँ। क्या खाओगी? अरे वंदे भारत एक्सप्रेस में चार्जिंग पॉइंट भी है, देखिए। हमारा फूड आ गया है, देखिए हमने मंगाया कबाब, कढ़ाई चिकन एंड बटर नान। Few inches later. कितना सुंदर लग रहा है दीपू, देखो कितना सुंदर लग रहा है। सर मैंने वो एक्सपीरियंस भी किया था, याद है? हाँ, मेरा पहला एक्सपीरियंस था जब हम लोग मायापुर जा रहे थे, तब भैया से मिलने गए थे, तब आपने लॉन्च किया था, पहला एक्सपीरियंस। बाय। आ भी रहा है देखो। हाँ, प्यारा लग रहा है। गंगा रिवर देखिए दोस्तों, कितना प्यारा। हमारे बंगाल में गंगा रिवर को क्या बोलते हैं बताइए, मुझे कमेंट में लिख के बताइए आप। देखिए दोस्तों कितना सुंदर व्यू लग रहा है। आप कितना मेहनत करते हो इस लोगों को दिखाने का कि देखो हमारे कोलकाता में ये सब चीजें हैं, और आई होप हमारे ऑडियंस को पसंद भी आता है।
टीपू ने एकदम मन की बात बोल दी। दोस्तों मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप सबको एंटरटेन रखने के लिए। हम लोग 1K हो चुके हैं, लेकिन प्लीज दोस्तों प्लीज प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। लेट्स ग्रो। और कोलकाता में ना मुझे बेस्ट पार्ट यही लगता है, जब भी मैं कोई और सिटी में जाती हूँ या कुछ भी ना, आई मिस दिस पार्ट। मैंने शायद बहुत सारी वीडियोस में भी बोला है कि मैं गंगा रिवर, ये लॉन्च ट्रैवल, ये जो मतलब हावड़ा ब्रिज है, ये सब बहुत मिस करती हूँ। इतना अच्छा हवा आ रहा है, सच गुड। डेट कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा हम लोगों का डेट। हमें कोई नहीं चाहिए, कोई लड़का नहीं चाहिए हमें खुश करने के लिए। हम लोग आपस में खुश, हम लोग आपस में खुश। जरूर पार्टी चल रही है वो जो लाइट वाले में। वो कौन पै 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 पैसे यार, ऐसे तो डर जाऊंगी मैं रात को। पता है अगर रात को आ गई 10:30 में बंद हो जाता है, उसके बाद आई थी मैं तो डर जाऊंगी कौन देख रहा है। तो यार दैट्स इट फॉर टुडेस व्लॉग। आई होप आप सबको अंडर वाटर मेट्रो देख करके अच्छा लगा, और जो मैं यहाँ पे दीपू के साथ डेट पे भी आई हूँ आपको वो देख के भी बहुत अच्छा लगा। आपको मेरी और दीपू की दोस्ती बहुत अच्छी लगती होगी, और प्लीज अगर लगती है तो हम दोनों के दोस्ती के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। देखते रहिए हम लोगों का। हाँ बस हम लोगों को देखते रहिए एंड आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए। जिस तरीके से मेरा 1K हो गया है उसी तरीके से मतलब और भी सपोर्ट दिखाइए, और के होते जाए, नए नए प्लेस देख पाएंगे। यस, जहाँ आपको ले जाए, और मैं कहीं भी ना भी घूमू, मैं रूम के अंदर से भी एंटरटेन करूंगी। मैं घर साफ करूंगी, मैं कुछ भी करूंगी, बट आई विल कीप यू पीपल एंटरटेन्ड। सो या टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, नेवर नेवर एवर टेक केयर loved ones for granted. Bye till my next vlog. Bye bye and take care.